हम लोग जो है हिस्ट्री को भूल जाते हैं। जब हिटलर जर्मनी में जूस को, यहूदियों को, जो 70 लाख यहूदियों को ख़त्म किया हिटलर, कैसे ख़त्म किया? पहले शुरू हुआ, हिटलर ने कहा कि हेट स्पीच दो जूस के ख़िलाफ़, हेट स्पीच का सिलसिला शुरू हुआ। फिर उसने कहा कि हेट स्पीच में तुम बोलो कि ये जर्मनी के वफ़ादार नहीं है, तीसरा उनसे बोलो कि ये आर्यन कल्चर के नहीं है। फिर उसके बाद चौथा उसने क्या किया, पिक्चर्स बनाने शुरू किए। तो 1940 में जो पहला पिक्चर हिटलर ने बनाया था जूस के ख़िलाफ़, उसका जर्मन लैंग्वेज से इंग्लिश में तर्जुमा करेंगे, ट्रांसलेशन करेंगे, उसका नाम इटर्नल जू था। उस इटर्नल जू में ये दिखाया गया था कि ये जूस जो है जर्मनी के गद्दार हैं, ये आतंकवादी चीज़ों में जाते हैं। उसके बाद क्रिस्टलनाक मूवमेंट हुआ, फिर उसके बाद राइस्टैग जलाया गया, फिर जर्मनी के जर्मन आवाम में पूरी नफरत फैल गई जूस के ताल्लुक से। उसके बाद ऑटोमेटिकली रास्ता साफ हो गया, 70 लाख जूस को या तो गैस चैम्बर में डाल के मारा गया या जेलों में डालकर मारा गया। तो इससे हमको सबक हासिल करना है। और देश के प्रधानमंत्री जो है वो बड़े, बहुत बड़े एक्टर हैं। ये हमारी खुशकिस्मती है कि अगर वो बॉलीवुड में चले जाते तो ये पूरे फिल्म स्टार घर में बैठ जाते, हर फिल्म पर अवार्ड उनको ही मिलता। मगर अब प्रधानमंत्री एक्टर के साथ साथ पिक्चर के प्रमोटर भी बन गए। एक देश का प्रधानमंत्री जो अंबेडकर के बनावे संविधान पर ओथ लेता है, 130 करोड़ जनता का प्रधानमंत्री है, और एक पिक्चर को प्रमोट करते हैं, वो भी झूठी। भाई, और पिक्चर बनाने वालों से हम ये पूछना चाह रहे हैं, फिक्शन है या फैक्ट है? तुम कब तक मुसलमानों को बदनाम करके, झूठ बोल के अपना पेट पालोगे? ओबीसी ओबीसी प्रधानमंत्री या देशाचा पहिल्यांदा गाभगा, तर काही लोकांचं पोट एवढं दुखतं की जगातल्या कोणत्याही औषध कंपनीनी अशा पोट दुखणाऱ्या लोकांसाठी औषध बनवली नाही, तर यांचं पोट दुखू द्या। ओबीसी नेता या देशाचा पहिल्यांदा गाभगा आणि म्हणून अनेकांचं पोट दुखतं की एक ओबीसी प्रधानमंत्री, आणि नुसतं ओबीसी प्रधानमंत्री नाही आहे, जो या देशाचा सन्मान वाढवतो, गौरव वाढवतो, जगामध्ये भारताचा डंका वाजवण्याची शक्ती असणारा नेता, ज्याला स्वतःच्या परिवाराची चिंता नाही, हा देश माझा परिवार या भावनेने करणारा नेता आहे। बाकी सर्व पक्ष स्वतःच्या परिवाराची चिंता करणार आहे। काही लोक जातीचे पक्ष आहे, काही लोक जातीच्या आधारावर मतदान मागणारे लोक आहे। मग अशा प्रसंगामध्ये एक नेता जात, धर्म, रंग, वंश, वजन, उंची यापेक्षा जाऊन माझ्या देशाची उंची वाढवली पाहिजे, माझ्या देशाचं गोत्र भारत माता हे गोत्र असं समजून काम करतं, अशामध्ये काही स्वार्थी खुर्चीवर प्रेम करणारे, ज्यांच्यासाठी योच खुर्ची पाहिजे अशी वृत्ती असणारे लोक असंच म्हणणार आहे भारतीय जनता पार्टी जातीय पक्ष आहे।